Good morning, students. Today we are going to discuss the topic questionnaire by post. First, we see proper meaning. What is meaning questionnaire by post? When you prepare all the ideal questions in proper way, then time comes to post these all the questions in one proper letter to that person, so he can give all the answers to you. In this way, when you collect the information, is called questionnaire by post. इसमें हर एक एडमिट क्वेश्चंस को अच्छी तरह के कागज में लिखा जाता है. लिखने के बाद एनवलप में डाल के जिस इंसान से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनको ये कागज भेज देते हैं विद प्रॉपर टाइम लिमिट. और उसके बाद वो कागज उसके पास पहुंचने से वो पढ़ लेगा और सारी इंफॉर्मेशन जो हमने उस पर कलेक्ट करनी चाहिए होगी वो हमें दे देगा. उसे कहते हैं क्वेश्चनरी बाय पोस्ट. अब इसके देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. द फर्स्ट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज. This method of collecting data is quite useful when the field of investigations is very vast. तो फर्स्ट थिंग इस मेथड को हम कब अप्लाई करेंगे? जब हमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो वास्ट एरिया में से है. तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंपनी और फर्म और पर्सन टू रीच डोर टू डोर. तब हमें क्वेश्चनरी बाय पोस्ट से कलेक्ट करनी चाहिए. It involves less time, energy, and you get all the information in proper time here. Point number two. This method is simple and provides large amount of information with less expense. By this method, you can collect lot of information with very less amount of time and money. क्योंकि by post collect करनी है तो आपको टाइम भी कम लगेगा, एक्सपेंस भी कम होगा एंड यू गेट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विच यू नीड. तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर द क्वेश्चनरी बाय पोस्ट. पॉइंट नंबर थ्री. हियर इन्वेस्टिगेटर्स कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट ऑफ दोस एरिया वेयर इट माइट डिफिकल्ट टू रीच पर्सनली और बाय टेलीफोन. जिस जगह पे कोई इंसान या टेक्नोलॉजी या टेलीफोन अवेलेबल नहीं है, इंसान इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि सपोज वो माउंटेन एरिया है या वास्ट रिमोट एरिया है या कोई जंगल के एरिया है, इट्स नॉट पॉसिबल बाय पर्सन टू रीच देयर. और वहां टेलीफोन की लाइन नहीं हो सकती क्योंकि वहां कोई टावर नहीं होगा, यू विल नॉट गेट एनी कवरेज. एंड हाउ कैन वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट एरिया फ्रॉम दैट एरिया एट दैट टाइम we need to collect information by post. उस जगह पे जब ये चीज काम नहीं आएगी तब आपको जो की गई है क्वेश्चनरी बाय पोस्ट यू कैन इजिली इंफॉर्मेशन. सो दीज आर द थ्री एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनरी बाय पोस्ट. हर वक्त हमें ख्याल रखना है कॉइन की दो साइड होती है, हेड एंड टेल. उसी की तरह अभी हमने एक साइड देखी उसकी पॉजिटिव, तो वन साइड नेगेटिव इसकी साथ में होगी. तो सी फर्स्ट पॉइंट डिसएडवांटेज. व्हेन स्टूडेंट्स आर इलिटरेट और नॉट कोऑपरेटिव दिस मेथड बिकम यूजलेस. यहाँ आप जानते तो हो कि आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में उससे नहीं आ रहे जिससे आप मैसेज या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो. तो हो सकता है जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो बाई पोस्ट वो इलिटरेट हो या नॉन कोऑपरेटिव हो तो हमें वो कोऑपरेट नहीं करेगा या उसके पास नॉलेज नहीं होगा तो वो इंफॉर्मेशन हमें गलत या आधी या नहीं भी देगा जिससे हमारा अच्छा खासा लॉस हो सकता है उस एरिया में से इंफॉर्मेशन के बारे में. पॉइंट टू. समटाइम्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट्स मे नॉट बी करेक्ट और दे मे रिटर्न इनकम्प्लीट और ब्लैंक क्वेश्चनरी टू द इन्वेस्टिगेटर्स. जब जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है अगर वो बंदा इलिटरेट है
या उसने और अपने क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ा नहीं है, कई क्वेश्चंस को एम्प्टी रख दिया है, कई ने रैंडमली आंसर लिख दिया है, तो हो सकता है उस जगह से उस इंसान के पास से हमें पूरा डेटा गलत मिले। This is a great disadvantage for the firm or the business when you play the data by this method. Point three, there may be loss or delay in getting information due to the laziness of respondents. हम जिस इंसान से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बाई कॉस्ट, अगर वो इंसान ध्यान से देखना, there may be loss or delay. Loss or delay because of laziness. जिस इंसान से हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, अगर वो बंदा लेजीएस्ट है, बड़ा आलसू है, तो हो सकता है हमारे प्रिस्क्राइब टाइम में जो हमने आंसर्स उससे मांगे क्वेश्चन के द्वारा वो हमें ना भी मिले, क्योंकि उसकी लेजीनेस हमारे रुकावट बन जाती है और किसी की पर्सनल हैबिट हम किसी को कभी चेंज नहीं कर सकते। जो डेटा हमें 10 दिन में चाहिए था, हमने उसको टाइम से सेंड कर दिया, तो उसकी लेजीनेस के हिसाब से वो डेटा उसने 2 महीने के बाद दिया। अब समझो एज एग्जांपल, जो चीज हमें 10 दिन में मिलनी चाहिए थी वो हमें 2 मंथ यानी कि 60 डेज के बाद मिलती है, तो हो सकता है इतना लॉन्ग ड्यूरेशन उस इंफॉर्मेशन को आपके लिए यूजलेस कर दे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डिसएडवांटेज फॉर द फर्म। जब आपने कोई क्वेश्चन बाई पोस्ट पूछा है और वो क्वेश्चन उस बंदे को क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि व्हाट इज द आस्क टू हिम, तो हो सकता है वो क्वेश्चंस का कोई गलत मीनिंग समझे और उसको मिस इंटरप्रेट करके जो आंसर लिखेगा ऑब्वियसली वो गलत ही होगा, क्योंकि जिस लेवल पे आपने क्वेश्चन पूछा है उस लेवल का वो इंसान नहीं है, तो हो सकता है उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाए और जिससे उस क्वेश्चन का मीनिंग वो अलग समझेगा, और जब मीनिंग ही अलग समझेगा तो ऑब्वियसली Thank you.